السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of 10th class, आज हमारा टॉपिक है इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन. हमने देखा कि इससे पहले हमारा टॉपिक जो था वो ग्रेट डिप्रेशन था. ग्रेट डिप्रेशन में हमने क्या देखा कि इसके वजूहात क्या थे, इसके काजेज क्या थे. थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये डिप्रेशन जो आया 1929 में, तो इस डिप्रेशन का सबसे बड़ा काज ये था कि ओवर प्रोडक्शन. ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बड़ा काज था ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. और ओवर प्रोडक्शन एक काज, बहुत बड़ा काज बना कि वर्ल्ड मार्केट में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स पहुंच गए और बायर्स की तादाद कम थी और ये फूड ग्रेन जो है ये वहाँ ज़ाया हो गया. और ये भी एक वजह बना, पेजेंट्री क्लास जो है ज़्यादातर मुंसलिक होते हैं एग्रीकल्चर के साथ और इनकी इनकम फाल हो गई, इनकी इनकम कम हो गई. जब डिमांड नहीं रही, इस फूड ग्रेन्स की डिमांड नहीं रही, तो वो बेचारे बुरी तरह से मुतासर हुए, उनकी इनकम जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई. और ये भी एक वजह बना इस डिप्रेशन का, ओवर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. अब दूसरी वजह क्या थी कि हमने देखा कि यूएस जो है उसने यूएस ने कैपिटल और तमाम वर्ल्ड जो था यूएस से अब कैपिटल और मनी लेंड करता था, लोन्स लेते थे अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए. ये जो यूएस था, अमेरिका था, अमेरिका से हर एक मुल्क ने, दुनिया के दूसरे ममालिक ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया था, कर्जा लिया था अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बूस्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अमेरिका से, यूएस से लिया था. और जब ओवर प्रोडक्शन की वजह से जब लोगों के पास पैसा कम हो गया, तो अब यूएस जो था इसको भी अब बहुत परेशानी हो गई कि हमने जो कर्जा दिया है ये कर्जा हम कैसे वसूल कर सकते हैं, हम रिकवर कैसे कर सकते हैं इस कर्जे को, इन पैसों को. तो नतीजा ये था कि यूएस का जो लोन था, ओवरसी लोन जो डिफरेंट कंट्रीज के पास उसका था, वो 1928 में 1 बिलियन था, 1 बिलियन. और इसमें फिर 1/4 इजाफा हो गया, 1/4 इंक्रीज इसमें एक साल के बाद, इसमें 1/4 इंक्रीज हो गया था. तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा कर्जा अमेरिका ने दूसरे ममालिक को दिया था. और अब ये जो डिप्रेशन के आसार जाहिर हो गए थे, अब अमेरिका भी ये परेशान था कि हम कैसे इसको रिकवर कर सकेंगे. और इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका ने अपने मुल्क में भी कर्जा दिया था और अमेरिका को ये कर्जा वापस नहीं हो सका. जब अमेरिका ने अब मजीद कर्जा देने से विड्रा किया, मजीद कर्जा नहीं दिया ममालिक को, इसलिए कि इसमें मुमकिन था कि ये जो ये कर्जा वापस नहीं आ सकता है. तो इस सूरत में वहाँ यूरोप में जो अक्सर बैंक्स थे तो वो कोलैप्स हो गए, वो बंद हो गए. और इस तरह से डिप्रेशन के आसार फिर पड़ गए कि अमेरिका ने जब लोन, मजीद लोन देने से इनकार किया, तो नतीजा ये निकला कि यूरोप में वो बैंक्स जो हैं वो बंद हो गए और वहाँ वो कोलैप्स हो गए. और इस तरह से ये दो वजूहात थे कि एक तो ओवर प्रोडक्शन था, दूसरा हमने देखा कि जो
ये लोन्स थे जो अमेरिका ने लोन्स लेंड किए थे, तो वो लोन्स जो थे वो रिकवर नहीं हो सके, और जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी बुरी तरह से मुतासर हो गई। और अब हम देखेंगे कि इस डिप्रेशन के दौर में इंडिया की पोजीशन क्या थी, जो कि आपको याद होगा कि हमने ये भी पढ़ा है कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो उस दौर में इंडिया में जो इंडिया इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एतबार से यहाँ की बिजनेस बहुत ज्यादा चल रही थी। तो क्योंकि ब्रिटेन जो था ये जंग के साथ लगा था, अब कॉलोनियल इंडिया में तिजारत जो थी ये बढ़ गई थी, और जापान में भी जो इंडस्ट्रियल एतबार से बहुत आगे गया था। अब ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने जंग खत्म होने के बाद अपनी वो पुरानी पोजिशन इंडिया पर कायम नहीं कर सका, और उस वक्त जो था तो नतीजा ये निकला कि जब ब्रिटेन अब कंपीट नहीं कर सका, न तो ये जापान के साथ इंटरनेशनल मार्केट में अब कंपीट कर सका, और न वो इंडिया में अपनी वो डोमिनेंस कायम रख सका जो इसको जंग से पहले थी। अब यह है कि डिप्रेशन में क्या हुआ। अब डिप्रेशन में हाल इंडिया का ये बना कि ये जो इंडिया जो था इसमें यहाँ एग्रीकल्चर गुड्स ज्यादा निकलते थे, एग्रीकल्चर गुड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये चीजें एक्सपोर्ट होती थी। यहां से इंडिया से यानी कॉलोनियल इंडिया से एग्रीकल्चर गुड्स और मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर्ड ये जो आइटम्स हैं ये यहां से एक्सपोर्ट होते थे। लेकिन इस डिप्रेशन की वजह से जब इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट्स गिर गए, जब ये जो मतलब फाल हो गए, प्राइसेस फाल हो गए, तो नतीजा यह है कि इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी मुतासर हो गई। नतीजा ये निकला कि 1928 to 1934 ये एक्सपोर्ट्स जो इंडिया के थे, एक्सपोर्ट्स दे हाल्ट, यानी ये रुक गई। इसमें बहुत फर्क आया। अब ये एग्रीकल्चर गुड्स और ये मैन्युफैक्चरर्स जो सबसे बड़ा इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, अब डिप्रेशन की वजह से जब वर्ल्ड मार्केट में अब रेट्स नहीं रही, प्राइसेस फॉल हो गए, तो अब ये एक्सपोर्ट्स इनकी डिमांड रही तो ये रुक गई। इनमें बहुत बड़ा फर्क आ गया। अब जब एक्सपोर्ट्स रुक गए, अब इंडिया इंडिया के लिए भी एक खतरा बन गया। तो एक्सपोर्ट्स जब रुक गए तो इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्राइसेस यानी व्हीट प्राइसेस, इंडिया में व्हीट जो है बहुत ज्यादा निकलता है, व्हीट प्राइसेस फेल बाय 50%, यानी पीजेंट्स और फार्मर्स जो एग्रीकल्चर के साथ जो मुंसलिक हैं, जो रिलेट हैं, तो अब वो जो ये कल्टीवेशन करते थे, क्रॉप क्रॉप कल्टीवेशन करते थे, पर्टिकुलरली व्हीट की कल्टीवेशन करते थे, अब वर्ल्ड मार्केट में व्हीट व्हीट प्राइसेस भी फॉल हो गए, और इसका असर 50% ये लेस हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अब ये पीजेंट्री क्लास जो है ये सबसे ज्यादा हार्ड हिट था, इनको सबसे ज्यादा मुतासर हो गए। अब जो अर्बन डेवलपर्स थे, अर्बन डेवलपर्स के मुकाबले में जो बाजारों में जो सिटियों में लोग रहते थे, अब इनका वो खुशहाल लोग थे, और ये फार्मर्स और ये पीजेंट्री क्लास जो था ये बेचारे हार्ड हिट थे। अब इनकी इनकम जो थी वो बुरी तरह मुतासर हुई। इधर से कॉलोनियल इंडिया ने रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं किया, यानी पीजेंट्री क्लास को प्राइसेस में गिरावट आ गई, प्राइसेस फॉल हो गए 50%, निस्फ जो है इसकी कीमत गिर गई। तो लेकिन रेवेन्यू डिमांड जो गवर्नमेंट की थी उन्होंने रेवेन्यू डिमांड को रिड्यूस करने से इनकार किया, यानी गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड। रेवेन्यू डिमांड
अब ये इंसाफ की बात ये थी कि अब इन बेचारों को, इनका बुरा हाल था, अब इनकी आमदनी बहुत कम हो गई है, तो लेकिन कॉलोनियल इंडिया ने इन पीजेंटों से, इन फार्मर से रेवेन्यू कम नहीं किया। वो जो रेवेन्यू लेते थे आम हालात में, उस रेवेन्यू को बराबर बरकरार रखा। अब ये दूसरा सेटबैक था इन फार्मर्स के लिए। अब ये फार्मर्स बेचारे पहले ही ये मकरूज थे, अब इस वजह से ज्यादा इन पर बर्डन आ गया। अब दूसरा दूसरी बात यह है कि दूसरा जो बंगाल था, बंगाल बंगाल में जूट कल्टीवेट होता था, जूट ग्रोवर्स, बंगाल के फार्मर जो थे ये जूट कल्टीवेट करते थे, यानी रॉ जूट की ये कल्टीवेशन करते थे, फिर इस रॉ जूट को ये फैक्ट्रियों में इसको प्रोसेस किया जाता था और वहां इससे बैग्स बनाए जाते थे, यानी बैग्स बनाए जाते थे जिनको हम कहते हैं जूनी बैग्स। ये बैग्स जो है, ये बैग्स भी एक्सपोर्ट होते थे, ये बैग्स भी जिस तरह एग्रीकल्चर गुड्स और दूसरे मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरर्स थे या एक्सपोर्ट होते थे, इसी तरह इस ये जो बंगाल है, बंगाल से ये जूनी बैग्स भी एक्सपोर्ट होते थे। और जब जब ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में प्राइसेस फॉल हो गए और ये रॉ जूट के प्राइसेस भी फॉल हो गए, और रॉ जूट के प्राइसेस, ये जो बंगाल के जूट ग्रोवर्स थे, अब रॉ जूट के प्राइसेस जो थे ये 60% फॉल हो गए, 60%। व्हीट के प्राइसेस 50% फॉल हो गए और जूट के प्राइसेस 60% फॉल हो गए। अब ये जूट ग्रोवर्स जो थे, तो ये बेचारे इसी ये बैग्स को एक्सपोर्ट करते थे, अपनी आमदनी अब इसी पर, अब ये अपना खर्चा चलाते थे, प्रॉफिट इनको जो मिलता था इससे ये अपने फैमिलीज को सपोर्ट करते थे। अब ये इन बेचारों के पास भी अपना पैसा नहीं था, इन्होंने लैंड लॉर्ड से ये कर्जा लिया था। अब ये बेचारे जब इनके प्राइसेस भी फॉल हो गए, 60% इनकी मतलब रॉ जूट में गिरावट आ गई, तो नतीजा जो है, ये बेचारे पहले ही मकरूज थे, इन्होंने कर्जा लिया था, अब ये बेचारे ज्यादा से ज्यादा मकरूज हो गए, दे गॉट डीपर इनटू डेट, ये बेचारे मकरूज हो गए, ये इनकी इनकी जो ये इनका कर्जा जो था ये अपने कर्जे को अदा नहीं कर सके, क्योंकि ये जो मतलब जूनी बैग्स, इसका एक्सपोर्ट भी रुक गया। तो नतीजा जो है, ये बेचारे जो है बुरी तरह से मुतासर हो गए। अब हम देखते हैं कि पूरे एक तो पूरे इंडिया में व्हीट प्राइसेस भी फॉल हो गए और ये जूट जूट प्राइसेस भी फॉल हो गए। अब पीजेंट्री क्लास इंडिया में ज्यादा है। अब जो है, अब हम क्या देखते हैं कि पूरी कंट्री में ये जो पीजेंटों की इनडेटेडनेस में इंक्रीज हो गया, यानी पूरे मुल्क में ये जो मजदूर तबका था, ये जो पीजेंट्री क्लास था, ये जो इस एग्रीकल्चर के साथ जो ये जो लोग मतलब मुंसलिक थे, इन इनकी मक ये ज्यादा ज्यादा हार्ड हिट हो गए और ये ज्यादा मकरूज हो गए, इनकी इनडेटेडनेस में इजाफा हो गया, ये बेचारे मकरूज हो गए। तो जिसकी वजह से यह है, अब इनके पास कुछ कोई जरिया ही नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, अब क्योंकि इनको अपने एक्सपेंसेस, रोजमर्रा अपनी डेली जरूरतों को पूरा करना था, अब अपनी डेली जरूरतें ये कैसे पूरा करते, अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, अब इनके पास जो बची खची सेविंग्स थी, जो कुछ पैसा था, बची खची सेविंग्स, तो उसको इस्तेमाल किया, और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी लैंड को मॉर्टगेज रखा, लैंड मॉर्टगेज। इन्होंने अपनी सेविंग्स को भी इस्तेमाल किया अपने अपना खर्चा चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इन्होंने एक तो अपने सेविंग्स को इस्तेमाल किया जो बिल्कुल कम थी, तो इसके साथ साथ अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने अब लैंड भी मॉर्टगेज किया। और इतना ही नहीं बल्कि लैंड के साथ साथ इन्होंने अपने प्रेशियस मेटल्स भी बेच दिए, यानी प्रेशियस मेटल्स।
अब इन्होंने प्रेशियस मेटल्स, इसमें इन्होंने सबसे ज्यादा नोटेबली गोल्ड, ज्वेलरी थी, गोल्ड था, तो ये गोल्ड और ज्वेलरी इन बेचारों ने अपना ये अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए ये बेचारे मजबूर हो गए, और प्रेशियस मेटल्स भी, अपनी लैंड भी इन्होंने मॉर्टगेज रखी, अपने जेवरात भी इन्होंने बेच दिए और अपनी सेविंग्स भी इन्होंने इस्तेमाल की। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला। इसका नतीजा ये निकला कि डिप्रेशन के सालों में, ड्यूरिंग दी डिप्रेशन ईयर्स, इंडिया वाज द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल्स। इंडिया बिकेम द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल्स ड्यूरिंग डिप्रेशन। इंडिया वाज द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेटल्स, ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल, प्रेशियस मेटल। पर्टिकुलरली गोल्ड। तो इसका असर क्या पड़ा? अब जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, जिसको हम कहते हैं जॉन कैनीज, जॉन कैनीज फेमस इकोनॉमिस्ट है, उसने क्या लिखा है कि इंडिया के ये जो गोल्ड एक्सपोर्ट है, इंडिया से जो गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ, तो इससे इससे ये जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये रिकवर हो गई। ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करने में इंडिया के इस एक्सपोर्ट, गोल्ड एक्सपोर्ट ने, इस प्रेशियस मेटल के एक्सपोर्ट ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को रिकवर किया। इंडिया से जो ये प्रेशियस मेटल्स एक्सपोर्ट होते थे, और इससे वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ये डिप्रेशन से बच गई, और पर्टिकुलरली इसका फायदा ब्रिटेन को पहुंचा, क्योंकि इंडिया से ये सारी चीजें जो एक्सपोर्ट होती है ये ब्रिटेन में सबसे पहले जाती थी, और ब्रिटेन की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, इसको रिकवर करने में इंडिया का सबसे बड़ा साथ है, इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है, इस खासकर इस प्रेशियस ये मेटल्स जो थे जो ब्रिटेन में जाते थे, और ब्रिटेन की इकोनॉमी इससे अच्छी तरह से रिकवर हो गई। और इस तरह से इंडिया इंडिया में जो ये डिप्रेशन के इयर्स में इंडिया इंडिया का हाल क्या था, और यहां से वर्ल्ड इकोनॉमी डिप्रेशन से बच गई, इसमें इंडियन करेंसी का, इंडियन इस प्रेशियस मेटल्स का बहुत बड़ा हाथ है, इंडियन एक्सपोर्ट्स का, पर्टिकुलरली दिस प्रेशियस मेटल्स का बहुत बड़ा हाथ है, और दूसरा ब्रिटेन की इकोनॉमी भी इससे रिकवर हो गई, और तीसरा जो है अब जो है इस, लेकिन पीजेंट्री क्लास का हाल वैसा ही रहा। ये पीजेंट्री क्लास को यहां हिंदुस्तान में इनकी हालत नहीं बदली, इनकी हालत वही रही जैसी इनकी हालत थी, ये बेचारे वैसे ही मकरूज रहे। तो ये इससे इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन के इयर्स में अब जो खुशहाल लोग थे, यानी अर्बन डेवलपर्स जो मुतासर नहीं हुए, यानी अर्बन डेवलपर्स, अर्बन डेवलपर्स, लैंड ओनर्स, इनकी पोजीशन ठीक थी, क्योंकि प्राइसेस कम थे, इनको अपनी फिक्स्ड इनकम मिलती थी, इनको अपना रेंट मिलता था, और इनकी कोई परेशानी नहीं थी, और जो मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज थे, इनको भी अपनी फिक्स्ड इनकम मिलती थी। अब ये खुशहाल लोग यहां शुमार किए जाते थे, क्योंकि ये अच्छी तरह से ये वेल ऑफ थे, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी कम थे, और इनकी इनकी इनकम में कोई फर्क नहीं आया था, इनकी इनकम बराबर थी, इनके जो ये थे, ये जो इनकी सैलरी जो थी ये फिक्स्ड थी। तो इस तरह से कुछ लोगों के लिए, खासकर पीजेंट्री क्लास के लिए, इन ये बेचारे ज्यादा हार्ड हिट हो गए इस डिप्रेशन के, डिप्रेशन ड्यूरिंग दिस डिप्रेशन पीरियड। तो इंडिया में ये पीजेंट्री क्लास ज्यादा हार्ड हिट हो गया,
और यहां से हम देखते हैं कि डिप्रेशन को रिकवर करने में इंडियन एक्सपोर्ट्स नोटेबली गोल्ड का कितना साथ है और ब्रिटेन की इकोनॉमी को रिकवर करने में इंडियन एक्सपोर्ट्स का कितना बड़ा साथ है। और दूसरा हम देखते हैं कि ये जो मिडिल क्लास थे या लैंड ओनर्स थे, अर्बन डेवलपर्स थे, इन ये खुशहाली रहे, इनको डिप्रेशन का कोई असर नहीं पड़ा। तो ये आज इसके बारे में था कि इंडिया इंडिया की पोजीशन क्या थी ड्यूरिंग दिस ग्रेट डिप्रेशन। तो आज के लिए ये काफी है। अस्सलाम वालेकुम।